हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एट द रेट सर्वर हुसैन दादा, जहां आपको ज्ञान मिलेगा सबसे ज्यादा। अभी हम लोग ओलंपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो आज दो ओलंपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। ओलंपिक का ही हिस्सा ये, एक विंटर ओलंपिक और एक पैरालंपिक। ठीक है, तो विंटर ओलंपिक के बारे में पहले जान लेते हैं। इस बार जो लास्ट 2022 में विंटर ओलंपिक हुआ, वो 24th विंटर ओलंपिक था। ठीक है, और ये कहां हुआ? ये बीजिंग में हुआ, और बीजिंग एकमात्र ऐसा शहर बन चुका है जिसने विंटर ओलंपिक भी कराया और समर ओलंपिक भी कराया। विंटर तो अभी 2022 में हुआ बीजिंग, और समर ओलंपिक कब हुआ था? 2008 साल में। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। और सबसे पहली बार विंटर ओलंपिक कहां और कब हुआ था? 1924 में चामोनिक्स, फ्रांस का एक शहर है चामोनिक्स, वहीं पर विंटर ओलंपिक सबसे पहली बार कराया गया। 2018 में हुआ था प्योंगचांग, जो कि साउथ कोरिया में है। और 2026 यानी कि अगला जो विंटर ओलंपिक है वो कब होने वाला है, कहाँ होने वाला है? वो होने वाला है मिलानो और कोटिना, ये इटली का एक शहर है। ठीक है, यहीं पर होने वाला है। अच्छा, विंटर ओलंपिक 2022 में 91 कंट्रीज ने हिस्सा लिया था, और इसमें मेडल टैली में बता दूं, पहला जो रैंक किया था नॉर्वे का, ये जो मेडल था उसका नंबर मैं बता देता हूं, 16, 18, 13। सेकेंड रैंक में आता है जर्मनी, 12, 10 और 5। और थर्ड में आता है चाइना, 9, 4 और 2। मालूम है आपको ये क्या है। अच्छा, इंडिया की तरफ से एकमात्र इस बार एक ही पर्सन जो क्वालिफाई किए थे विंटर ओलंपिक के लिए, उनका नाम है आरिफ खान। ये कौन से खेल से रिलेटेड? विंटर ओलंपिक का अल्पाइन स्कायर, ये खेल से ये रिलेटेड है, वो आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। अच्छा, इंडिया से पहली बार विंटर ओलंपिक में जो शख्स खेला था वो कौन था? उनका नाम था जेरेमी बुजारोस्की। ठीक है, और पहली महिला जो कि विंटर ओलंपिक में गई थी इंडिया की तरफ से, उनका नाम है शैलजा कुमार। तो ये जो मैंने कहा जेरेमी बुजारोस्की, ये इंडियन पोलिश है, माने इंडियन और पोलैंड का मिक्स है। तो ये कब गए थे? 1964 में गए थे, इन्सबर्ग ऑस्ट्रिया में हुआ था ये विंटर ओलंपिक। और ये शैलजा कुमार बोला, ये 1988 कैलगरी कनाडा में हुआ था, तब गए थे। और एक विंटर ओलंपियन है बहुत ही फेमस है, उनका भी नाम मैं बता देता हूँ, शिवा केशवन। इनका नाम एक रिकॉर्ड है, ये 6 बार इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके हैं विंटर ओलंपिक में, और ये पहले विंटर ओलंपियन बने जिन्हें अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया था। 2020 में इन्हें अर्जुन अवार्ड दिया गया था। अच्छा, इसके बाद आता है पैरालंपिक। पैरालंपिक एक्चुअली पैरालली चलते है, जब भी कभी समर ओलंपिक होता है उसके बाद समर पैरालंपिक्स होता है, और विंटर ओलंपिक होता है तो उसके बाद विंटर पैरालंपिक्स होते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे 2020 का जो टोक्यो में ओलंपिक हुआ था, उसके बाद ही जो पैरालंपिक्स हुआ था उसके बारे में। इसमें स्पेशली जो एबल्ड होते हैं वही लोग इसमें हिस्सा लेते हैं। अच्छा, पहली बार पैरालंपिक कब हुआ था? समर पैरालंपिक 1960 रोम में जो हुआ था। ओके, और ये जो 2020 का जो था ये 16th पैरालंपिक था समर पैरालंपिक में, और इसका मैस्कॉट कौन थे? सोमेटी। ठीक है, और इसमें जो रैंक है, कल ही मैं नाम बता देता हूं, मेडल नहीं बताता, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चाइना फर्स्ट, ग्रेट ब्रिटेन सेकेंड, और थर्ड यूएस। और हमारे प्यारा भारत, इसका रैंक कितना था? ये 24th रैंक आया था, 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज, सब मिला के 19। ये अभी तक का सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस था पैरालंपिक में इंडिया का। तो इंडिया का इसमें ओपनिंग सेरेमनी में जो फ्लैग बेयर थे वो थी टेक चंद। ठीक है, टेक चंद जो कि एक शॉर्ट पुट और जैवलिन थ्रोअर है, एक मेल है। और क्लोजिंग सेरेमनी में अवनी लेखारा, ये एक फीमेल है, और ये शूटिंग में गोल्ड जीती थी, जो मैं अभी बताने वाला हूं, इन्होंने किया था फ्लैग बेरर का काम। अच्छा, ये पैरालंपिक में गोल्ड किसे किसे मिला? 5 गोल्ड मैंने पहले ही कहा, सुमित अंतिल जैवलिन में, मनीष नारवाल शूटिंग में, प्रमोद भगत और कृष्णा नागर बैडमिंटन में, और अवनी लेखारा शूटिंग में, और उन्होंने एक ब्रॉन्ज भी जीता था। और एक स्पेशल नाम मैं बता दू, भावीना पटेल। ठीक है, इन्होंने सिल्वर जीता टेबल टेनिस में, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, पहली बार किसी भी माने इंडिया की तरफ से ओलंपिक बोली या पैरालंपिक टेबल टेनिस में ये पहला मेडल था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके और दो छोटे छोटे ओलंपिक का भाग है मैं बता देता हूँ, यूथ ओलंपिक गेम्स भी होते हैं। तो यूथ ओलंपिक में भी समर यूथ ओलंपिक होता है और एक विंटर यूथ ओलंपिक गेम्स होता है। तो पहला बार जो समर यूथ ओलंपिक गेम हुआ था वो 2010 में सिंगापुर में कराया गया था, और 2018 में ये ब्यूनोस एयर्स अर्जेंटीना में हुआ है, और 2026 में जो होने वाला है डकार, ये सेनेगल में होने वाला है डकार। अच्छा, पहला विंटर यूथ ओलंपिक ये 2012 में इन्सबर्ग, जो कि मैंने बताया आपको ऑस्ट्रिया में है, वहां हुआ था,
2020 में लास व लुजैन यानी कि स्विट्जरलैंड का लुजैन में, और 2024 जो होने वाला है वो गैंगवान साउथ कोरिया में होने वाला है। ठीक है, और ये जो मैंने आरिफ खान का नाम बताया, इससे मैं एक छोटा सा किस्सा सुना दूं। आज मैं जो YouTube में हूँ, मैंने तो बहुत दिन से सोच रहा था जो YouTube में वीडियोस वगैरह बनाऊं, बट हो नहीं पा रहा था। तो मेरा एक दोस्त है, मैंने उसे पढ़ाया भी है, पहले मोटिवेट करता था, उसका नाम है आरिफ इकबाल, जो चंदन नगर के तिलनीपाड़ा के पास में रहता है, वो कोलकाता पुलिस में SI है। तो अचानक से एक दिन उसने फोन किया और मुझे बहुत इनकरेज किया, बोला जो दादा आप जरूर से जरूर YouTube का चैनल खोलिए और सबका मदद करिए। तो मैं आरिफ भाई को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, थैंक यू आरिफ भाई। ठीक है, ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, प्यार बांटे, खुशियां बांटे और ज्ञान तो जरूर बांटे। मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले पार्ट फिर आएगा, तीसरा चौथा भी आने वाला है।